हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमए रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मी और स्पेशल ठंडे ठंडे जूस की रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम बनाना शुरू कर लेते हैं। जी लिया है मैंने ग्रेप्स। ग्रेप्स को मैंने 2 से 3 बार मैंने अच्छे से धुल लिया है, अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। मुझे ग्रेप्स हमारे ग्राम में हमारे 250 ग्राम ग्रेप्स हैं हमारे, और मुझे 2 गिलास मुझे जूस बनाना है। तो लेंगे ग्रेप्स को मिक्सी जार में हम ऐड कर लेते हैं। और साथ ही में ऐड करेंगे हम ज़्यादा चम्मच काला नमक और छोटे चम्मच से 3 चम्मच करेंगे चीनी ऐड। आप चीनी आप कम ज़्यादा कर लें जिस तरीके से आपके ग्रेप्स हों, जैसे खट्टे या मीठे हों। और 1/2 गिलास करीब हम डालेंगे पानी। पानी को डालने के बाद हमें अच्छे से इन्हें पीस लेना है। मैंने अच्छे से देखिए पीस लिया है। अब लेंगे हम एक बर्तन, बर्तन पे हम रखेंगे छन्नी और छन्नी से हमें अच्छे से हमें जूस को हमें छान लेना है ताकि ये एक भी इसमें जो ऊपर से जो लम्स वगैरह रह जाते हैं, एक भी पल्प रह जाता है थोड़ा बहुत पीसने से, वो नहीं हमारे जूस में आए, इसलिए हमें जूस को हमें छानना है। आप इस जूस को ताज़ा ताज़ा ही बनाइएगा, ताज़ा ताज़ा ही बच्चों को पिलाइएगा, बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही कम समय में भी बनके तैयार हो जाता है। सारे जूस को मैंने छान लिया है, देख सकते हैं आप हमारा जूस नीचे आ गया है और जो हमारा पल्प है वो अलग हो गया है। अगर आप चाहो तो इस पल्प से आप मसाज भी कर सकते हो। अगर नींबू अगर डालना हो तो आप नींबू भी आप डाल लें लीजिए। और हम ठंडा ठंडा जूस को हम सर्व कर लेते हैं। और साथ ही में डालेंगे हम आइस क्यूब्स को, इससे हम बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ठंडा ठंडा जूस पीने में बहुत ही बढ़िया लगता है। गर्मियों के टाइम पे ठंडा ठंडा जूस मिल जाए पीने को तो बात ही कुछ और है। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आप इसे बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।